हम सभी जानते हैं कि डायमंड एक हार्डेस्ट मटेरियल है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेफीन दुनिया का सबसे शक्तिशाली मटेरियल है। ये कागज से 10 लाख गुना पतला और स्टील से लगभग 200 गुना ज्यादा मजबूत होता है। नंबर 2, मैडम क्यूरी के बारे में हम सभी जानते हैं, फर्स्ट नोबेल प्राइज पाने वाली महिला। इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व की खोज 1903 में की थी, पर आज भी मैडम क्यूरी के रूम में स्थित कागज, फर्नीचर आदि में रेडियो एक्टिवता के गुण पाए जाते हैं। नंबर 3, हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है, पर आपको पता है यदि किसी गूगल कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो गूगल उसकी वाइफ को 10 साल तक आधा वेतन, वो उसके बच्चों को 19 साल का होने तक $1,000 पर मंथ देता है। नंबर 4, जब कोई बेबी बहुत सुंदर होता है तो हम उसे क्यूट कहते हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि क्यूटनेस हमेशा आक्रामकता को प्रेरित करती है। यही कारण है कि जो चीजें हमें ज्यादा प्यारी लगती हैं उन्हें हम जोर से खींचते हैं, जैसे किसी बच्चे के गाल। नंबर 5, हम सभी जानते हैं गाड़ियों को स्पीड प्रोवाइड करने के लिए और फ्यूल कंजप्शन कम करने के लिए उनका डिजाइन एरोडायनामिक बनाया जाता है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि हम गाड़ियों की विंडो ओपन रखते हैं और गाड़ी को स्पीड से दौड़ाते हैं तो हमें 10% फ्यूल अधिक लगता है। नंबर 6, हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी कई डीएनए संरचनाओं से मिलकर बना होता है, पर यदि हम अपने शरीर में मौजूद डीएनए को खोल दें तो इसकी लंबाई इतनी होगी कि हम प्लूटो ग्रह तक चले जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे। नंबर 7, क्या आपने कभी देखा है कि वाहन के टायर में कुछ नंबर लिखे होते हैं, पर क्या आप उनका मतलब जानते हो? अभी आप वीडियो में एक टायर की इमेज देख रहे हो, आपको 195/55R/60/87V कुछ इस तरह का नंबर दिख रहा होगा। चलो इस नंबर से गाड़ी की जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले 195 नंबर, इसकी माप हमेशा मिलीमीटर में होती है। इसको सेक्शन विड्थ भी कहा जाता है, मतलब टायर का वह भाग जो सड़क के संपर्क में आएगा, मतलब जो टायर अभी देख रहे हो उसकी चौड़ाई 195 mm है जो कि सड़क के संपर्क में आएगी। अब आपको 55 दिख रहा होगा, यह सेक्शन हाइट होती है और यह सेक्शन विड्थ का 55% होता है, मतलब 195 mm के टायर का 55%, मतलब करीब करीब 107 mm। अब आप R को देख रहे होंगे, R का मतलब होता है रेडियल। टायर दो प्रकार के होते हैं, एक रेडियल दूसरा क्रॉस प्लाई। वैसे रेडियल टायर का यूज रेसिंग गाड़ी में अधिकतर किया जाता है क्योंकि ये टायर बेटर रोड कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करते हैं और रेडियल टायर इज ऑलवेज मच कॉस्टली देन प्लाई टायर। अब आप नंबर 60 देख रहे होंगे, यह इनसाइड ईयर रिम डाया होता है, यह इंच में होता है, मतलब यह व्हील रिम जिस पर टायर बैठेगा उसका डाया 16 इंच होगा। अब आप नंबर 87 को देख रहे हो, यह लोड इंडेक्स होता है जो शो करता है मैक्सिमम लोड दैट द टायर कैन कैरी और यह किलोग्राम में होता है, और आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग पर टायर लोड कैरिंग कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे यदि आपके टायर पे 87 नंबर है तो यह टायर 545 किलोग्राम वेट को ले सकता है, मतलब अगर हम चार टायरों की बात करें तो यह 2180 किलोग्राम का लोड ले सकता है। और लास्ट नंबर V होता है, यह स्पीड इंडेक्स को दिखाता है, मतलब आप वेलोसिटी भी कह सकते हैं, मतलब वो अधिकतम गति जिस पर गाड़ी चलाई जा सकती है। जैसे V के लिए 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है और यदि आपके टायर पे H नंबर है तो इसका मतलब है कि 210 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप गाड़ी को चला सकते हैं। नंबर 8, eSIM क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि अभी एप्पल ने अपना स्मार्टफोन 12 प्रो लॉन्च किया जो कि eSIM सपोर्ट करता है। हालांकि पहले भी कई फोन eSIM सपोर्ट करते थे। सबसे पहले एक नॉर्मल सिम कार्ड की बात करते हैं जिसका मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अब eSIM जिसको एक वर्चुअल सिम भी कहा जाता है जिसका पूरा नाम इवेंटेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। वर्चुअल सिम कार्ड एक क्रिप्टो करेंसी जैसा होता है, मतलब एक ऐसी करेंसी जिसे हम छू नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, लेकिन उसका उपयोग नॉर्मल करेंसी जैसा कर सकते हैं। eSIM भी इसी प्रकार का होता है जिसे हम न छू सकते हैं और न देख सकते हैं और वह सभी फायदे उठा सकते हैं जो एक नॉर्मल सिम प्रदान करता है। eSIM फोन में पहले से ही इंस्टॉल्ड रहता है, आप इसे निकाल नहीं सकते। कह सकते हैं कि ये आपके फोन का ही एक अहम हिस्सा है। यदि आपको अपना eSIM एक्टिवेट करना होता है आप किसी भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास जा सकते हैं
और अपना सिम एक्टिवेट कर सकते हैं। ई-सिम के फायदे ये हैं कि अगर आपका फोन चोरी भी हो जाए तो आपका सिम ऑलवेज एक्टिवेट रहेगा और आपका फोन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिलहाल भारत में सिर्फ एयरटेल और जियो ही ई-सिम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 9, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि दुनिया में बोले जाने वाले सबसे ज्यादा झूठ कौन सा है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कर आप जान सकते हैं। पर आज हम आपको बताएंगे कि एक सामान्य इंसान ही नहीं, एक बड़ी कंपनी भी झूठ बोलती है। हम बात कर रहे हैं फेयर एंड लवली कंपनी की, जो कि अपने विज्ञापन में 3 हफ्तों में गोरा होने की बात करती है। एक व्यक्ति ने इस कंपनी पे मुकदमा कर दिया क्योंकि 3 हफ्तों तक वह व्यक्ति क्रीम यूज करने के बावजूद भी गोरा नहीं हो पाया और वह मुकदमा जीत गया, जिस कारण कंपनी को हर्जाने के तौर पे उसे 15 लाख रुपए देने पड़े। नंबर 10, एप्पल आईफोन के बारे में सभी जानते हैं, एक प्रीमियम क्वालिटी का फोन जिसका यूज हर कोई इंसान कर सकता है और इसे खरीद सकता है। पर आपको पता है किसी भी मूवी का विलेन या कह सकते हैं बैड करेक्टर कभी भी आईफोन का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एप्पल का कहना है कि वह अपने प्रोडक्ट को बेहतर वो पॉजिटिव हाथों में देखना पसंद करती है, ना कि नेगेटिव। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।